स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आप लोग की इस्लामियात की टीचर हूँ क्लास 1 की। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर इस्लामियात की बुक में से अल्लाह ताला एक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन करवा दूँ, उसके बाद हम बुक पे भी रीडिंग करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि अल्लाह ताला एक है, ना उसका कोई शरीक है, ना उसका कोई माँ बाप है। अल्लाह ताला को ये बात नापसंद है कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि हर मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह ताला एक है। हम सबको यही जानना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है और उसके सिवा और ना वो किसी का बाप है, ना किसी का शरीक है। और अल्लाह ताला पर ईमान हर मुसलमान का फर्ज है कि अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आए। तो हम उसके बारे में बुक पे रीडिंग करते हैं। चलाए बुक पे हम रीडिंग करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आप बुक का पेज इस्लामियात की बुक का पेज नंबर 13 निकाले, हम सब इसकी रीडिंग करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, अब आप लोग मेरे साथ साथ रीडिंग करते जाएंगे। अल्लाह एक है, हमारा दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम की बुनियाद तौहीद पर है। तौहीद से मुराद है अल्लाह ताला को एक और वाहिद मानना, इस बात पर यकीन रखना कि अल्लाह ताला वहदुल्ला शरीक है, यानी उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। कलमा तैयबा के पहले हिस्से में अल्लाह ताला के एक होने का जिक्र है। अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है, कोई भी उसके बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला कायनात का हर काम तन्हा और अकेले ही अंजाम देता है, उसे किसी काम में किसी शरीक और साथी की ज़रूरत नहीं है। ना तो अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया है और ना ही अल्लाह ताला की कोई औलाद है। हर काम उसके इख्तियार में है। अल्लाह ताला को ये बात सख्त नापसंद है कि उसके साथ किसी को शरीक बनाया जाए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने साथ किसी को शरीक ठहराने का गुनाह नहीं बख्शेगा। इसके अलावा जिसके जो गुनाह चाहेगा बख्श देगा। अल्लाह ताला ने शिर्क को जुल्म अजीम करार दिया है। शिर्क का मतलब है अल्लाह को एक ना मानना। अल्लाह ताला को एक माने बगैर कोई भी इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान होने के लिए बुनियादी शर्त अल्लाह ताला के एक होने पर ईमान लाना है। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, वो सब का रब है। रब पालने वाले और परवरिश करने वाले को कहते हैं। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, क्योंकि वो तमाम आलिम का रब है। उसने ना सिर्फ
हर चीज़ को पैदा किया है, बल्कि उसने हर चीज़ की परवरिश का ज़िम्मा भी लिया है। वो हर एक की ज़रूरियात पूरी करता है और हर एक को रिज़्क देता है। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। वो अपनी मखलूक पर रहम करता है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है। वो अपनी मखलूक के लिए आसानी चाहता है। तंगी या मुश्किल नहीं, वो अपनी मखलूक की तमाम ज़रूरियात पूरी करता है और उन पर फ़ज़ल और एहसान करता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह को एक माने, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को ये पूरा मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अल्लाह ताला एक है और वो किस किस चीज़ को सख्त नापसंद करता है। तो इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।